हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नागेश्वर तीर्थ से नाकोड़ा चुस्त छारी पालित संघ पहुंचा सांडेरा। जैन साधु साध्वियों व संघ में सम्मिलित सभी सदस्यों का हुआ जोरदार स्वागत। आचार्य मुक्ति सागर की पावन निशा में विश्व शांति की कामना को लेकर नागेश्वर से नाकोड़ा तीर्थ धाम के लिए 38 दिवसीय विश्व शांति पैदल छरी पालित संघ के सांडेराव आगमन पर गंगा बेरी चौराहे से कमल विहार तक जैन समाज बंधुओं के साथ ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ो व बैंड बाजों के साथ पुष्प वर्षा करते हुए जोरदार स्वागत किया गया। सांडेराव जैन समाज की महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए सौम्या कर गुरुवार को वंदन करते हुए स्वागत किया। आचार्य मुक्ति सागर महाराज व साधु साध्वियों की पावन निशा में ये संघ नागेश्वर पार्श्वनाथ से नागोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ धाम तक जाएगा। मुख्य संघपति पारसमल भंडारी, संघपति पुकराश रांका, किशोर जैन, महेंद्र जैन, अभय जैन सहित संघ में सम्मिलित सभी सदस्यों का मीठालाल पुकराज पुनिया परिवार खुड़ाला मारवाड़ गोड़वाड़ जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जयदेव सिंह राणावत एवं सांडेराव जैन समाज के तेजराज धोका, मगन भाई मेहता, जगदीश भाई मेहता, पिंटू कामदार, विक्रम धोका, दिनेश जैन, छगनलाल सेठिया, राजेश पुनिया, अशोक धोका सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित थे। जीव दया ही जैन धर्म का मूल सिद्धांत। मुक्ति सागर आचार्य मुक्ति सागर महाराज ने कहा कि जीव दया ही जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन कुल में जन्म लेने से ही केवल जैन नहीं बना जा सकता है। जैन बनने के लिए जैन धर्म के सिद्धांतों को अपने आचरण में अपनाना आवश्यक है। जागरूक टीवी की सांडेराव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।